शीर्षक आर्या और मंत्रमुग्ध वन का रोमांच एपिसोड एक रहस्यमय निमंत्रण पात्र। आर्या खोज करने का जुनून रखने वाली एक बहादुर और जिज्ञासु युवा लड़की। रवि आर्या का सबसे अच्छा दोस्त, एक दयालु और चतुर लड़का। एल्ड्रा एक बुद्धिमान और प्राचीन वृक्ष आत्मा जो मंत्रमुग्ध वन के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। छाया जानवर जंगल में दुबके रहने वाले अंधेरे जीव। लूना जादुई शक्तियों वाली एक रहस्यमय चंद्र लोमड़ी। कथानक आर्या और रवि का परिचय। आर्या और रवि एक रहस्यमय जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में रहते हैं जिसे मंत्रमुग्ध वन के नाम से जाना जाता है। वे सबसे अच्छे दोस्त हैं जो रोमांच पर जाना पसंद करते हैं। आमंत्रण। एक दिन आर्या को एक चमकता हुआ पत्ता मिलता है जिस पर एक संदेश लिखा होता है, प्रिय आर्या, मंत्रमुग्ध वन में आपकी हिम्मत की जरूरत है, भोर में आइए। एल्ड्रा आर्या रवि को संदेश दिखाती है और वे साथ जाने का फैसला करते हैं। जंगल में प्रवेश। भोर में आर्य और रवि जंगल में प्रवेश करते हैं। पेड़ फुसफुसाते हैं और वातावरण जादुई होता है। वे विभिन्न रहस्यमय जीवों से मिलते हैं, कुछ दोस्ताना और कुछ सतर्क। एल्ड्रा से मिलना। जंगल में गहरे में वे एल्ड्रा को पाते हैं जो एक भव्य और प्राचीन वृक्ष आत्मा है। एल्ड्रा बताती है कि जादुई जंगल का संतुलन छाया जानवरों द्वारा खतरे में है और केवल आर्य की बहादुरी और रवि की चतुराई वाला कोई व्यक्ति ही इसे बहाल करने में मदद कर सकता है। खोज शुरू होती है। एल्ड्रा आर्य और रवि को एक जादुई नक्शा देती है जो उन्हें उनकी यात्रा पर मार्गदर्शन करेगा। उनका पहला काम लूना चंद्रमा लोमड़ी को ढूंढना है जो उनकी खोज में उनकी मदद करेगी। छाया जानवरों के साथ पहली मुठभेड़। जैसे जैसे वे गहराई में जाते हैं उन्हें अपनी पहली चुनौती का सामना करना पड़ता है, छाया जानवरों का एक समूह। अपनी बुद्धि और बहादुरी का उपयोग करते हुए आर्य और रवि भागने में सफल होते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। क्लिफहैंगर। एपिसोड का अंत आर्य और रवि द्वारा चांदनी में चमकते मैदान में लूना की एक झलक देखने के साथ होता है जो अगले रोमांच के लिए मंच तैयार करता है। एपिसोड दो, द मूनलाइट गाइड। कथानक। लूना को ढूंढना। आर्य और रवि लूना से मिलते हैं जो शुरू में सतर्क रहती है लेकिन उनके शुद्ध इरादों को पहचान लेती है। लूना उन्हें जंगल के बीचोंबीच ले जाने के लिए सहमत हो जाती है जहां शैडो बीस्ट्स की शक्ति का स्रोत है। जादू सीखना। लूना आर्य और रवि को खुद की रक्षा करने और शैडो बीस्ट से लड़ने के लिए बुनियादी जादुई मंत्र सिखाती है। वे अभ्यास करते हैं और अपनी क्षमताओं में अधिक आश्वस्त हो जाते हैं। बाधाओं पर काबू पाना। तीनों को मुश्किल इलाके, जादुई पहेलियां और अधिक शैडो बीस्ट सहित विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वे इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए अपने नए कौशल और टीमवर्क का उपयोग करते हैं। द डार्क कैवन। वे एक अंधेरी गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं जो शैडो बीस्ट्स की खो है। एपिसोड का अंत उनके अंदर प्रवेश करने की तैयारी के साथ होता है, ये जानते हुए कि अंदर सबसे बड़ी चुनौती का इंतजार है। श्रृंखला जारी रखना। प्रत्येक आगामी एपिसोड उनकी यात्रा के विभिन्न हिस्सों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, नए जादुई जीवों को पेश कर सकता है, कठिन चुनौतियों का सामना कर सकता है और मंत्रमुग्ध वन के रहस्यों के बारे में अधिक बता सकता है। अरे ये क्या है, लगता है कुछ है, जरा देखूं तो क्या है। लगता है इसमें कुछ लिखा है, क्या लिखा है, जरा पढ़ू तो। आर्य मंत्र मुक्त वन में आपकी हिम्मत की जरूरत है। लगता है मंत्र मुक्त वन में हमको जाना ही पड़ेगा, मुझे रवि को साथ ले जाना होगा। अरे रवि, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। क्यों, क्या हुआ मेरे जाने मन? बात ऐसा है कि मुझे मंत्र मुक्त वन से मुझे बुलाया आया है और मुझे जाना होगा और तुम्हें भी साथ चलना होगा। बोलो चलोगे ना? तुम कहो और मैं ना जाओ, चलो कब जाना है? आज और अभी।
कौन हो तुम लोग, यहाँ क्या करने आए हो? तुम कौन हो? मेरा नाम एल्ड्रा है, मैं प्राचीन आत्मा हूँ। यहाँ जादुई जंगल का छाया जानवर द्वारा खतरे में है। केवल आर्या की बहादुरी और रवि की चतुराई बाला व्यक्ति ही इसे बहाल करने में मदद कर सकता है। मुझे मंत्र मुक्त बन से बुलाया आया था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हें एक नक्शा देता, इस नक्शा से तुम्हें मार्गदर्शन करे गए। रवि, हमें पहले लूना को ढूंढना होगा। हाँ, पहले लूना को ढूंढना होगा। चलो लूना को। आर्या, भागो भागो, ये बहुत ही खतरनाक जानवर होता है। अरे बच गए। आर्या, चलो जल्दी, हमको लूना को खोजना होगा। कौन हो तुम? मैं रवि और ये आर्या है। प्राचीन जंगल को हमसे मदद की जरूरत है, क्या तुम हमें मार्ग बता सकते हो? एल्ड्रा ने तुम्हारे बारे में बताया है। अच्छा, तो तुम भी? एल्ड्रा ने भी है, तो चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें शेडू दादू को सुनाता हूँ, जो तुम्हें श्रृंखला से लड़ने में आसान हो जाएगा। तुम दोनों को यहाँ मैं शेडो से मिलकर आ रहा हूँ, तब तक इंतजार करो। कौन हो तुम? मैं लूना हूँ, मैं एक संदेश लेके आया हूँ। रवि और आर्या यहाँ आया है, प्राचीन जंगल को मदद के लिए आया है। क्या तुम उन दोनों को जादू सिखा सकते हो, जिससे श्रृंखला से लड़ने में आसान हो जाएगा और प्राचीन जंगल को बचा सकेगा? ठीक है, तुम उन दोनों को ले आओ, मैं उसे संपूर्ण ज्ञान सिखा दूंगा। हाँ, अरे मूर्ख, तुमने तो सारा जंगल को परेशान करके रखा है। उसका दंड आज तुम्हारे मौत से चुकाऊंगा। आज तुम्हें ही कोई अच्छा, तुम ये लो।
बच नहीं पाओगे। आर्या ये गया, हमारा काम खत्म हुआ, अब चलो अपने घर। हाँ अब चलो अपने घर।